डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ नगर निगम बोर्ड बैठक आज पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के दौरान पार्षदों को शांत करने की कोशिश कर रहे MLC धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ हाथापाई व धक्का मुक्की की गई। इसके बाद भाजपा पार्षदों व विपक्ष समाजवादी पार्टी और AIMIM पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में ही भाजपाइयों ने अन्य पार्षदों को गिरा गिरा कर पीटा। देखिए मौके के हालात। मैं पार्षद फजल करीम। फजल करीम, आज क्या नगर निगम के अंदर घटना हुई है, मारपीट तक नौबत क्यों आई है? आज बोर्ड की बैठक थी नगर निगम की टाउन हॉल में, तो बैठक के चलते हुए वार्ड 60 की पार्षद रेखा, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है और कार्यकारी सदस्य हैं, हाउस टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने अपना एक सवाल किया। उस सवाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे हाउस टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी हमारे वार्डों में आके वसूली करते हैं अनैतिक तरीके से और मुनादी करते हैं, ये तरीका मुस्लिम क्षेत्रों में क्यों नहीं अपनाया जाता? वो जिस तरह से हमारे यहाँ वसूली करते हैं, इस तरह की वसूली मुस्लिम क्षेत्रों में जाए वहाँ करें। तो हिंदू मुस्लिम का आधार बनाकर उन्होंने बात की शुरुआत की, जिस पर तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सदन है, यहाँ कोई मुद्दा है, कोई सुझाव है, पूरे महानगर के लिए होना चाहिए, पूरे महानगर के 90 वार्डों की बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको जाति आधारित बना करके माहौल ख़राब किया। हमने उसका विरोध किया कि ऐसी शब्दावली इस्तेमाल न की जाए, तो उसकी वजह में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और उनके विधायक और MLC ने, तमाम सब लोगों ने हमारे कई पार्षदों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और सदन से लेकर सड़क तक, वो सदन तक ही नहीं रुके, वो सड़क पर आकर उन्होंने आम नागरिक की तरह हाथापाई की और बहुत बुरी तरीके से हमारे दो पार्षदों को मारा गया है। पिटने वाले कौन थे और पीटने वाले कौन थे, जरा पूरा नाम के साथ? पिटने वाले हमारे वार्ड 31 के पार्षद कीर्ति घोपला, जो कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे पार्षद हमारे प्रशांत कसाना, जो वार्ड 36 से आते हैं। आशीष चौधरी वार्ड 36 है। इन दो पार्षदों को बुरी तरह से मारा गया है। किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने, विधायक ने। मैं रिजवान अंसारी, वार्ड नंबर 83 से पार्षद हूँ। किस पार्टी से? मुस्लिम लीग से। क्या घटना हुई है जरा थोड़ा सा? बोर्ड की मीटिंग चल रही थी टाउन हॉल के अंदर, और वहाँ पर
रेखा जी जो हैं उन्होंने हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर के ये कहा कि हाउस टैक्स के कर्मचारी जाते हैं और वहाँ मनादी करके टैक्स लेते हैं। पहली बार जब उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम इलाकों पर जाकर दिखाएं, हम लोग खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा, दोबारा रिपीट किया, तो हमें महसूस हुआ कि ये हिंदू मुस्लिम टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। उसका विरोध हमने किया कि ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, इस मीटिंग को शुरू होने से पहले हमारे नगर आयुक्त जी ने कहा था मीडिया कर्मियों को बाहर चला जाना चाहिए, ना बाहर बिठाइए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्लानिंग थी, ये बिना प्लानिंग के काम नहीं किया गया है और मीडिया को बाहर निकाला जा रहा था। दूसरी बात यह है कि जो मंत्री जी हैं वो मार रहे हैं और जो विधान परिषद के धर्मेंद्र जी हैं, ऐसे MLC हैं, वो मार रहे हैं, और जब मेयर साहब ने कहा जो वापसी आए कि ये गलत तरीका है, तो MLC कहते हैं हमने अपना बदला ले लिया है। ये एक ऐसे सम्मानित लोग, ऐसे मान्य लोग ऐसी घटनाएं करेंगे तो बाकी क्या होगा, तमाम पार्षद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इस बारे में विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने हंगामा के बाद यह जानकारी दी। मैं सम्मानित बोर्ड का सदस्य हूँ और विधान परिषद का जो सदस्य हूँ, मैं नगर निकाय से 2022 में सदस्य बना हूँ। मुझ पर सम्मानित हमारे मेयर साहब का आमंत्रण था क्योंकि पदेन सदस्य हूँ। जैसे ही मैं आपकी बोर्ड बैठक में एंट्री करी, मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि कुछ पार्षद हमारी पार्टी के पार्षदों से उलझ रहे थे, और जैसे ही मैं और नज़दीक पहुंचा तो हमारी बहन जी हैं, मातृशक्ति हैं, तो दो मातृशक्ति वहाँ पर खड़ी थी, तो उन्होंने उन दोनों मातृशक्ति के लिए कुछ अपशब्द बोले, जिसके लिए मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा, और जैसे ही मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा उन्होंने मुझे धक्का देने का प्रयास किया, और उस धक्का देने के बाद आपस में कहा सुनी हुई, इतना सा ही विषय था। आपके साथ भी कुछ घटना हो गया? मैंने बताया ना, मुझे भी धक्का देने का प्रयास किया, तो इतने में जो है आपस में कहा सुनी हुई, वो आगे की प्रक्रिया कानूनी है, तो कानूनी प्रक्रिया। कौन पार्षद थे जिन्होंने धक्का मुक्की की है और क्या? आशीष से एक कार्तिक है, कीर्ति घोपला है, और कुछ जो उकसाने वाले थे वो दूसरी पार्टी के वो थे, जो उसके पीछे वीडियो में आ रहे हैं, जो उनको उकसा रहे थे। कौन सी पार्टी के पार्षद थे? AIM के हैं, अच्छा। सपा के हैं, वे सारी विपक्षी पार्टियों के थे। वो जो एक तरीके से सबसे बड़ी बात ये है, जो आज महाराज जी की सरकार है देश प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, मातृशक्ति के लिए कोई अपशब्द नहीं सुना जाएगा, उसके लिए बोलना ही पड़ेगा। मातृशक्ति के लिए बोलना सबसे बड़ी गलत भावना होती है, और वहाँ पर पूरा का पूरा पूरी बोर्ड बैठक के सभी पार्षद थे, तो उनके सामने एक मातृशक्ति को बोला जाए तो कैसे उसको सहन किया जा सकता, मुझे तो नहीं लगता सहन किया जा सकता। क्या आप कानूनी प्रक्रिया भी अपना रहे? कानूनी प्रक्रिया है, मेयर साहब हैं हमारे आदरणीय, मेयर साहब अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, नगर आयुक्त साहब हैं तो वो अपना वीडियो निकालेंगे जो वहाँ घटना हुई है, अब वो जो भी नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया होती है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे उसी समय पर ऊर्जा राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई सोमेंद्र जी भी आ गए थे, तो इन्होंने भी देखा है घटना, तो ये दोनों हैं, मेयर साहब हैं, सोमेंद्र जी हैं, कमल जी हैं, ये सब मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। वहीं महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने यह बताया। देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, आज सदन के अंदर ये बोर्ड बैठक में बजट बैठक थी, बजट बैठक पे चर्चा होनी थी, पूरे महानगर का बजट होता है और इस पे चर्चा इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर किसी सदस्य की जो भी राय है वो इसमें दे सकता है, और उसके ऊपर पूरा ध्यान देकर कि अगर वो नियम अनुसार सही है तो उस पर संज्ञान पूरा लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। जब ये बैठक चल रही थी तो कुछ पार्षदों ने इस बैठक के अलावा अपने और भी प्रस्ताव रखने महानगर के रखने शुरू करें, तो चलो जो प्रस्ताव रखे वो कोई बात नहीं, अब और भी प्रस्ताव रख सकते हैं उसमें, मेरे से उन्होंने आज्ञा भी ली, मगर एक महिला पार्षद उनका कोई विषय चल रहा था और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और उस क्षेत्र में कोई कभी क्या विषय कुछ इस तरह का विषय आया, तो उस पर एक ये तो एक सपा के पार्षद थे, तो AIM के पार्षदों ने किसी को पार्षद को कानों में बात करी और कुछ खुद भी आगे आए और माहौल उन्होंने एक तरीके से ख़राब करा, और जिसके कारण दोनों तरफ से कुछ पार्षदों में आपस से बात शुरू हुई, फिर झगड़ा शुरू हुआ। इतने में हमारे
विधान परिषद सदस्य वो भी इसमें विशेष आमंत्रित होते हैं, बाकायदा उनको निवेदन करा गया था कि सबको आने का सदन में अधिकार है। हमारे आदरणीय सांसद जी को भी आज यहाँ पर आना था और भी विधायकों को आना था, तो सभी सम्मानित विधायक इसके सदस्य होते हैं, मगर बैठक की शुरुआत ही थी और धर्मेंद्र भारद्वाज जी जब आए उन्होंने देखा कि सदन में इस तरह का विषय चल रहा है, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि ऐसा सदन में करना ठीक नहीं है, बजट की बैठक है या जो भी आपकी महानगर की चर्चा वो करो, इस पर एक AIM के पार्षद थे सपा के, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, उन्होंने उनको धक्का दिया जिस पे और स्थिति खराब हुई। तो मैं समझता हूँ कि सदन जो कि बैठक बहुत अच्छे से चल रही थी, जिन पार्षदों ने इसमें ऐसा माहौल बनाया तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसकी जानकारी ली जा रही है। नगर आयुक्त को कहा गया है कि जो इसमें एक सत्यता है, महिला पार्षद को गाली देकर जो इसमें सत्यता है उसको दर्शाया जाए, और जो महिला पार्षद के लिए जो रिमार्क पास करा गया था, मैं गाली वर्ड अब क्या यूज़ करूँ, रिमार्क जो उन्होंने पास करा था वो अशोभनीय था, तो इस तरह का विषय सामने आया है। बाकी उसकी वीडियोग्राफिक उसकी पूरी जांच होगी और जो भी कार्रवाई नियम अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मीडिया से यह कहा। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ये भूल गया है कि योगी जी की सरकार है। बड़ी शांति से हमारे मेयर साहब सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आज घटना हुई वो दुखद है और मैं मानता हूँ कि नियम के अंतर्गत सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लगातार नगर निगम में इस तरह की घटनाएं होती हैं और पिछली बार भी हमने देखा है और लगातार ये मारपीट होती है, क्यों ऐसा होता है, क्यों सुरक्षा नहीं करी जाती है? मैंने कहा एग्जांपल सेट होगा, भविष्य में सोचेंगे नहीं, भविष्य में नहीं सोचेंगे, कानूनी कार्रवाई, मैंने कहा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।